एवं विमोहयन विष्णु विमोहन विश्वमोहनम स्वम एव माया अजोपि स्वमेव विमोहिता। यह कई जगह पे सुखदेव गोस्वामी ने कृष्ण को विष्णु बोला है। जब भगवान की भगवत्ता को स्थापित करना होता है कि ऐसा ना लोग हल्के में ले लें कि ठीक है गांव की लड़का है, कई सारे लड़कियों को पटा रखा है, उसके साथ नाच रहा है, लोग हल्के में ना ले, इसलिए कि विष्णु ने ये लीला किया। विष्णु को लोग सीरियस में लेते हैं कि अरे भगवान विष्णु प्रणाम प्रणाम प्रणाम। तो इसके लिए भगवान विष्णु को करते हैं सुखदेव गोस्वामी ने कई जगह। तो ये जो भगवान विष्णु ने या जो कृष्ण ने जो लीला किया, बी क्रीडम ब्रज बधुम इदम इदम, जो ये वर्णन में किया हूँ, च विष्णु श्रद्धान्वितो अनुश्रुणयाद अथ वर्णयेति यद, इसका श्रवण करने से अथ वर्णयेति यद, वर्णन करने से, कोई इसके बारे में सुन ले या वर्णन कर दे, दोनों में से कोई भी अगर कुछ कर दे, भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम, तुरंत उसको लाभ होता है। कौन सा लाभ होता है? भक्तिम, कौन सी भक्ति? पराभक्ति, शुद्ध भक्ति, जिस भक्ति का गुण है कृष्णाकर्षणी सुदुर्लभा मोक्ष लघुता, वो वाली भक्ति तुरंत वो प्राप्त करता है। भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य और कामम हृदय रोग आशु अपहिंतो, और जो हृदय का काम रोग है, हृदय का जो काम विकार है, पुरुष का स्त्रियों से आकर्षण, स्त्री का पुरुष से आकर्षण, जो काम का जो हमारा बीमारी है जिसके चलते बार बार हम लोग जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए, अचिरेण तुरंत ये निकल जाता है, अपहिनितो तुरंत हृदय से हमारे काम का विकार खत्म हो जाता है, और अचिरेत धीर, वो व्यक्ति धीर बन जाता है ये सुनने मात्र से। तो सोचिए जिस लीला को सुनने मात्र का ये फल है कि हृदय का काम रोग मिट जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, क्या उस लीला में कोई काम का, ये भौतिक काम का विकार हो सकता है क्या? हम सोच करके अगर देखें, भागवत कौन सुना रहा है इस लीला को, इस कथा को कौन सुना रहा है? सुखदेव गोस्वामी, अखंड ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी, हाँ, वो सुखदेव गोस्वामी जो नग्न अवस्था में 16 साल की अवस्था में चल रहे थे, और उनको देख करके जो स्त्रियां नहा रही थी वहां पर, नग्न स्त्रियां नहा रही थी, उनको देख करके कपड़े नहीं पहने थे उन्होंने, जबकि व्यासदेव को देख करके स्त्रियों ने कपड़े पहन लिए थे, वो इसको सुना रहे हैं। सोचिए अखंड, अगर कुछ भी इसमें रंच मात्र भी अगर काम विकार होता तो एक अखंड ब्रह्मचारी सुनाते ऐसी लीलाओं का चर्चा करते? और सुना किसको रहे हैं? जिसको मरने का श्राप मिल रखा है कि भैया 7 दिन के अंदर तुम तो को, और ये प्रिंसिपल है, यमय माम स्मरण भावम त्यजंती अंत्य कलेवरम तम तमय व्यति कौन्त्य सदा तद्भाव भावित, भगवद्गीता 8:5, कि जो जिस जिस का स्मरण करके शरीर त्यागता वैसा शरीर प्राप्त करता है। तो अगर रंच मात्र भी इसमें काम विकार होता तो क्या सुखदेव गोस्वामी एक मरते हुए व्यक्ति को ये सुनाते रासलीला? और अगर हम देखें तो भीष्म पितामह अखंड ब्रह्मचारी, जो भीष्म व्रत एक दृढ़ व्रत लिए हुए थे, वो जब शरीर त्याग रहे थे मरते समय, आखिरी के श्लोकों में जो भीष्म स्तुति श्रीमद् भागवतम 1:9 में आता है, आखिरी में ये वर्णन किए कि भगवान का उस रूप का जो गोपियों को आकर्षित कर रहे थे, जिस रूप से गोपियां आकर्षित हो रही थी, और जिस भगवान के जो रूप लाखों लाखों गोपियों को आकर्षित किए हैं। अब देखिए थोड़ा भी रंच मात्र अगर इसमें होता तो महाजन में से एक है सुखदेव गोस्वामी भी और भीष्म पितामह भी, शंभु नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनको भीष्म बली वयासकी वयम, वयासकी और भीष्म दोनों महाजन है, और ये शरीर त्यागते समय क्या भीष्म पितामह ऐसी इस रास लीलाओं का चर्चा करते रंच मात्र भी अगर इसमें? और भगवान को अगर एक दृष्टिकोण से देखें तो ये रास लीला का क्या जरूरत है? भगवान आत्मा राम आप्त काम है, भगवान आत्मा राम है, भगवान को अगर कुछ आनंद चाहिए तो वो आनंद भगवान से ही भगवान को आनंद मिल जाता है, प्लस आप तो काम अपने आप में संतुष्ट हैं, मुझे कुछ चाहिए, एक तो मैं कुछ चाहिए नहीं, आत्मा राम हूँ, मैं हमेशा प्रसन्न रहता हूँ, और अगर कुछ चाहिए भी तो मुझे से मुझको आनंद मिल जाएगा, आप तो काम, मेरी कामना आप तो मतलब खुद से पूर्ण होने वाली है। सोच करके देखो तो कृष्ण को उस रास लीला की क्या जरूरत है?
और भगवान अपने आप में कहते हैं कि बताओ औरतों के साथ लड़कियों के साथ कर ली, भगवान पूर्ण है अपने आप में, ओम पूर्णम अदा पूर्णम, पूर्ण है, पूर्ण व्यक्ति को किसी चीज की क्या जरूरत है। फिर भी भगवान या बलराम जी रास लीला करते हैं। ये जो लीला है भागवत की, एक भक्त और भगवान के बीच के रेसिप्रोकेशन का सर्वश्रेष्ठ लीला है। देखिए गोपियां जो हैं उनको हृदय में कोई रंच मात्र भी कामना नहीं है किसी चीज की, मतलब कोई वो क्या कह सकते हैं कि कोई भी उनके हृदय में लष्ट नहीं है। कृष्ण जिनके हृदय में कोई रंच मात्र का भी लष्ट नहीं है, और एक ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कि कृष्ण कितने लष्टी हैं, ये गोपियां कितनी काम से प्रभावित हो रही हैं। तो यहां पर जहां पर भी गोपियों के लिए ना स्मर शब्द का इस्तेमाल मतलब सुखदेव गोस्वामी ने किया या काम शब्द का किया है, तो वो काम क्या है, शुद्ध प्रेम के लिए है। जैसे आध्यात्मिक जगत में जो काम शुद्ध रूप में पाया जाता है, और भौतिक जगत में रजोगुण के साथ मिल करके वो लष्ट हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको, मतलब हाँ वासना के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये बिल्कुल शुद्ध भक्त और भगवान के बीच का रेसिप्रोकेशन का ये लीला है जो रास लीला है। क्योंकि ना भगवान को अपने आनंद की कोई मतलब आनंद चाहिए, ना गोपियों को आनंद चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि दुए लागी होड़ा होड़ी, गोपियां कर रही हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कि वो कृष्ण आपको हमारा शरीर अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए सब कुछ हम त्याग करने को तैयार हैं, यहाँ तक कि अपनी इज्जत प्रतिष्ठा घर द्वार परिवार मकान सब कुछ छोड़ करके आपकी प्रसन्नता के लिए जब बुलाएंगे हम आ जाएंगे। और कृष्ण अपने आप में आप तो काम है, किसी चीज की जरूरत नहीं, फिर भी वो रास लीला कर रहे हैं। क्या कृष्ण को पता नहीं था कि मैं ये जो लीला कर रहा हूं हजारों साल तक लोग गाली देंगे कि भाई क्या क्या कैसे भगवान है, कोई दिक्कत नहीं है। भक्त की प्रसन्नता के लिए जो जिसको बोलना है बोल ले, ये होता है रेसिप्रोकेशन भक्त का भगवान के साथ और भगवान का भक्त के साथ। और विशेष रूप से जो आज का